गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। चारों में से दो आतंकी पहले भी 8 बार भारत आ चुके हैं। सोने की तस्करी में शामिल आतंकी मोहम्मद फारस ने ड्रग्स का कारोबार करने का खुलासा किया। आतंकी मोहम्मद रासदीन के खिलाफ श्रीलंका में 5 मामले दर्ज हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और देश के दुश्मन हिंदुस्तान में खून बहाने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों की पहचान मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद नसदीन के तौर पर हुई है। ये चारों श्रीलंका के नागरिक बताए जा रहे हैं जो आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ये भारत की धरती पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी साजिश में कामयाब हो पाते गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सभी आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और उसके बाद ये अहमदाबाद आए। ये बात भी सामने आ रही है कि इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। कहा जा रहा है कि ये सभी आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अपने हैंडलर का अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां से इनको हथियार भी मिलने वाले थे, लेकिन इनकी साजिश मिट्टी में मिल गई। फिलहाल एटीएस इनके नापाक मिशन के बारे में पूछताछ कर रही है। जांच पड़ताल से साफ हो जाएगा कि आतंकियों के टारगेट पर कौन से शहर थे। आतंकियों के अहमदाबाद से पकड़े जाने के बाद गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आतंकवादी प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट ना सक्रिय सभ्यों छे अने ए चार लोको संपूर्णपणे आईसिस नी जे आइडियोलॉजी छे ए आइडियोलॉजी में रेडिकलाइज थई गया छे। पिछले साल अगस्त में भी एटीएस ने अलकायदा से संबंधों के आरोप में राजकोट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर पसारने के लिए काफी वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से इनके मंसूबों पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।